ऑफ कोर्स तुम्हारा परिवार तुमसे नाराज है, ऑफ कोर्स गुस्सा है। इतने अमीर लड़के को छोड़ जो रही हो तुम, इस सोसाइटी में जो स्टेटस वो एंजॉय करते हैं, जो शान से सर उठा के चलते हैं, सब आर्मी की वजह से तो है। अब उसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, उनकी शान का क्या होगा, है ना? पता है, इंसान अंदर से जैसा होता है ना, उसकी सोच भी वैसी होती है। और अफसोस की बात है, तुम्हारी सोच ऐसी है, गिरी हुई। लेकिन तुम जिस परिवार से आती हो ना मोनिशा, इस तरह की सोचना तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। क्या कहा तुमने? सच, सच कहा मैंने। तुम हर चीज में मुझसे मुकाबला करती रहती हो, एक बार इसमें भी करके देखो ना। क्योंकि ना तो मेरी सोच ऐसी है, ना ही मेरे परिवार की सोच ऐसी है। मेरी शादी जिसके साथ भी होती ना, मेरे परिवार के लिए वो शान की बात होती। क्योंकि वो लोग ना रिश्ते में अपनापन देखते हैं, पैसा नहीं। रिश्ते में प्यार देखते हैं, छोटी शान नहीं। तो जिसके साथ भी शादी होती, मेरा परिवार ना सर उठाकर रहता। और वैसे भी जो लोग अपने मन में दूसरों के लिए नफरत लेकर चलते हैं ना, उन्हें जरूर डर रहता है सर झुकने का। कहीं तुम्हें तो वो डर नहीं है ना? ये जो अभी तुमने मुझसे कहने की हिम्मत की है ना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है पूर्वी। इसकी कीमत तुम चुकाओगे, हिसाब होगा इसका। इसका नहीं, हर चीज का हिसाब होगा, हर चीज का। तुम बस वक्त का इंतजार करो। इनफैक्ट वक्त तो आ गया मनीष, तुम रेडी रहना। उससे पहले मुझे आरवी को बचाना है तुम जैसे लोगों से। अच्छा, मैं वो हूँ जिसे आरवी अपनी लाइफ में चाहता है, मैं वो हूँ जिसे आरवी अपना बनाना चाहता है। अभी वो बेचारे इस केस में फंसा हुआ इस नेत्रा के चक्कर में, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है। That's all. पर अब तुम्हें तो अच्छे से बता चुका है ना वो, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मेरी आरवी की लाइफ में क्या वैल्यू है, आरवी के लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। हाँ, बताया था उसने, पर अब वो बात नहीं है। उसके लिए अब मैं मायने रखती हूँ। मैं हूँ वो जिसे वो पसंद करता है, उसे अब मैं अच्छी लगती हूँ। ओह पूअर बेबी, तुम्हें क्या लगता है आरवी ने तुमसे दो मीठी बातें कर ली, स्वीट टॉक कर लिया, नेत्रा के सामने ये कह दिया कि तुमसे उसे बात करने से कोई नहीं रोक सकता, तो तुम ये सोच बैठी कि आरवी तुम्हें पसंद करता है? ओ डॉल, बहुत स्टूपिड हो तुम। स्टूपिड कौन है तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जस्ट वेट मोनिशा, पर फिलहाल ना मुझे अपनी एनर्जी तुम पर तो वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि मुझे नेत्रा पर फोकस करना है। एंड आई थिंक अब पूरा परिवार जानता है कि मेरी प्रायोरिटी अभी नेत्रा है, तुम तो बिल्कुल नहीं है। अब हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो मेरा।